नमस्कार, आदाब। बज़्म 2017 की खूबसूरत शाम में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। एक और खूबसूरत शाम जहाँ शायरी है, बेहतरीन कलाम है, मुल्क के आला फनकार हैं और साथ ही हैं गज़ल से बे इंतहा प्यार करने वाली हमारी ऑडियंस। आप सब की नज़र ये शेर ज़रूर करूँगी कि क्योंकि इतने अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, गज़ल के शायकीन हैं और कलाम में बेपनाह दिलचस्पी है, और जब आप इस कॉरिडोर से आ रहे थे तो आपको गुलाब की भीनी भीनी खुशबू भी सुंघाई दी होगी। तो अपनी ऑडियंस के लिए शेर ज़रूर नज़र करना चाहूँगी कि मौजे गुल मौजे सुबह मौजे सहर लगती है, सर से पाँ तक वो समा है कि नज़र लगती है, लम्हे लम्हे में सिमट आई है गुलाबों की महक, आज की शाम तो खुशबू का सफ़र लगती है। अमिता परशुराम जी की बे इंतहा गज़ल के तई उनकी जो मोहब्बत है उसी का नतीजा है आज की हमारी ये खूबसूरत बज़्म। बज़्म एक बेहद हसीन कोशिश है गज़ल को ख़ास के साथ साथ आम के बीच ले जाने की। कहीं ना कहीं ये एहसास है कि गज़ल के खालिस अंदाज को सहेजा जाए, संवारा जाए। हालांकि इस पूरी कोशिश में फ्यूजन से कोई गुरेज नहीं है। शायरी अमिता जी का पैशन है और यही वजह है कि अब तक उनके 5 एल्बम्स आ चुके हैं और हर बार उनकी कोशिश रही है कि गज़ल को ख़ास के साथ साथ आम के बीच एक जगह दिलाई जाए। बज़्म को जब उन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज़ किया तो उनके जहन में सिर्फ ये था कि एक ऐसी महफिल का एहतमाम करें जहाँ गज़ल की बहार हो, रिवायत का एहसास हो, शायरी का सलीका हो और लफ्ज़ों की अदायगी के साथ चाशनी से पुर सोज में डूबी हुई आवाज़ें हों, और यूं इन सब चीज़ों को बड़े सलीके से सहेज कर बज़्म की ये शाम आप सब की नज़र है। गुलजार साहब कहते हैं कि कभी यूं ही सफ़र करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, कभी यूं ही सफ़र करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, वो चाहे अजनबी हो नहीं लगता है वो मेरे वतन का है। बड़ी शाइस्ता लहजे में किसी ने उर्दू सुनकर क्यों नहीं लगता कि एक तहजीब की आवाज़ है उर्दू। यहाँ ये भी हम साझा करना चाहेंगे कि बज़्म के साथ अब तक हरिहरन जी, शांति जी, रफाकत जी, रेखा भारद्वाज जी, सुदीप बैनर्जी जी, राधिका चोपड़ा जी जैसी शख्सियतें जुड़ चुकी हैं, और आज हमारी खुशनसीबी है कि बज़्म के साथ जुड़े हैं 3 आला फनकार। और अमिता परशुराम जी की कोशिशें और मेहनत, नए साल का पहला दिन, और फनकार हैं जनाब तलत अजीज़ साहिब, चंदन दास जी और अशोक खोसला जी। दिलचस्प बात यह भी है कि ये सभी गज़ल के गोल्डन एरा के चश्मो चिराग हैं, या यूं कहूँ कि तेरी खुशबू से महकने लगा गुलशन गुलशन, तेरी खुशबू से महकने लगा गुलशन गुलशन, डालियाँ फूलों की झुक कर तुझे कहती हैं सलाम। और अब मैं स्टेज पर मधु कर रही हूँ जिनके तावुन और गज़ल के तई लगाव की वजह से आज की ये शाम यादगार बनी है। मैं बहुत ही इज्जत के साथ श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी से गुजारिश करती हूँ कि वो मंच पर तशरीफ़ लाएं और इजहार ख्याल करें। श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी। आज आप सबका वेलकम कर रहा हूँ इस बज़्म के मौके पर, और जो बज़्म का पर्पस रहा है वो अभी जिक्र किया समीरा जी ने, वो यही है कि इसमें रूहानियत जो है बज़्म की गायकी की वो बरकरार रहे, और वही एक मकसद है जिससे गज़ल का ये सिलसिला बज़्म के शक्ल में हर साल हम लोग मनाते हैं और कोशिश करते हैं कि गज़ल को के ऐसे जॉनर ये फले फूले, ये बढ़े आगे। कुछ इसमें तब्दीलियां आएँ कोई बात नहीं है, लेकिन ये जॉनर बना रहे और लोग इसको जितना सीरियसली लें और सुने, इंजॉय करें, तो वो एक म्यूज़िक का एक अपने अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। गज़ल
कहा जाता है अक्सर कि दवा भी है दुआ भी है। तो अब मैं आप सबका वेलकम करता हूं कि दोबारा से अब आप गज़ल को सुने और खुद इसका जायका लें। थैंक यू। शुक्रिया अदा करते हैं हम। और अब मैं गुजारिश करना चाहूंगी अमिता परशुराम यानी मीता से कि वो अपने दिल की बात हम सब के साथ साझा करें। इस बज़्म में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। अब बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ये बज़्म 2009 से चली आ रही है। आप सब की एंथुजियाज़म से, आपके यहाँ शिरकत करने से और इतने लोगों की गज़ल के लिए जो पैशन है उसकी वजह से। मैं वक्त नहीं लूँगी क्योंकि हमने पहले ही देर से शुरू किया है, बाहर के ट्रैफिक की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। सिर्फ एक दो दिल की बातें। बहुत शुक्रिया कृष्णा जी, वेद प्रकाश जी, आई लव यू। आप लोगों के साथ के बिना मैं बज़्म ये जो आज की शाम है और पहले भी कई शामें कभी ना कर पाती। आपका जो जुनून है, मेरा जुनून जब मिल गया तो ये खुदा की देन है। बहुत शुक्रिया। अ बिग हैंड फॉर देम, दे आर डूइंग इट सो सेल्फलेसली। थैंक यू। और आज की बस में इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबका नाम लूँगी तो पूरी शाम निकल जाएगी क्योंकि उन सबका शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। मगर फिर भी कुछ खास लोगों के नाम दिल में आ रहे हैं जो कहे बिना यहाँ से जा नहीं सकते। अनूप जी आज खास तौर पर सुनने आए हैं मुंबई से, और बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो दूसरे आर्टिस्ट को सुनने आते हैं। बहुत शुक्रिया अनूप जी, हमारी हौसला अफजाई के लिए आपकी इस तरह की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत मायने रखती है। थैंक यू। एक शक्ल दिखाइए ना लोगों को अपनी। बहुत शुक्रिया प्राण निवल जी, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पीपल ऑर्गेनाइजिंग ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 10 प्रोग्राम्स इन अ ईयर एंड हैज क्रिएटेड सो मेनी पीपल। माय डियर फ्रेंड प्राण निवल जी, प्लीज लोगों को आप अपना और हर बज़्म में किसी ना किसी तरह मेरी जरूर मदद करते हैं। हमारे जो आज के कलाकार हैं उनकी खासियत ये है कि वो तीनों के तीनों गज़ल के गोल्डन एरा के आए हैं जिन्होंने कि कायम रखा है। और अनूप जी आप तो वाकिफ हैं इस बात से क्योंकि आप भी उसी गोल्डन एरा के हैं। आई फील ब्लेस्ड दैट दिस गज़ल इवनिंग इज़ गोइंग टू बी अबाउट प्योर गज़ल। हमारी बज़्म की सिर्फ एक ही कोशिश है कि रिवायत को कायम रखा जाए, खूबसूरत गज़ल को कायम रखा जाए, अपने दिल की बात उसके थ्रू कही जाए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे खुद गज़ल गाने वाले बैठे हैं। थैंक यू रश्मि फॉर बीइंग देयर, शी इज़ आल्सो वन ऑफ द वंडरफुल आर्टिस्ट अराउंड। और शकील साहब बैठे हैं यहाँ, बहुत अच्छी गज़लें गाते हैं। मैं अब नाम कितने सारे लूँ, मैं सच में थोड़ा सा कश्मकश में हूँ। और इससे पहले कि आप थक जाएँ और गज़ल को मिस करने लगें, मैं आज की शाम शुरू करना चाहूँगी। समीना आपका बहुत शुक्रिया। इट वॉज़ अ ड्रीम टू हैव समीना विद मी इन माई बज़्म एंकरिंग द शो। शी इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल राज्यसभा टीवी वन एंड ओनली शख्सियत पर्सन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सो आई हैंड ओवर टू समीना टू कॉल द आर्टिस्ट एंड टू स्टार्ट द इवनिंग। आज की शाम का आगाज हो, ये समीना पर है कि वो कैसे करें। बहुत शुक्रिया अमिता जी। और आज की शाम के जो हमारे दो और मेज़बान हैं जिनका जिक्र कर चुकी हैं अमिता जी, जो बड़ी खामोशी से उर्दू की खिदमत में लगे हुए हैं, गज़ल की खिदमत में लगे हुए हैं, मैं गुजारिश करती हूँ श्रीमती कृष्णा गुप्ता जी और श्री रवि परशुराम जी से कि वो भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी और बीपी गुप्ता जी के साथ मंच पर तशरीफ़ लाएँ ताकि हम शमा रोशन कर सकें। और ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे मेहमान फनकारों का भी, जनाब तलत अजीज़ साहिब, जनाब चंदनदास जी, जनाब अशोक खोसला जी, कि वो भी इस नेक काम में शरीक हों। हमारे साथ मौजूद हैं गज़ल बादशाह जगजीत साहब के यागर ब्रदर करतार जी, मैं उन्हें भी न्योता देना चाहूँगी कि वो स्टेज पर आएँ।
शुक्रिया अदा करते हैं। और अब आज की शाम के मेज़बान से गुजारिश कि वो मेहमानों का इस्तकबाल फूलों के गुलदस्ते से करें। सभी मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अनूप जी बहुत बहुत शुक्रिया ना? शुक्रिया अमिता जी। और इस शेर के साथ शुरुआत करती हूँ कि जाने कितने रंग थे हर रंग ही प्यारा लगा, जाने कितने रंग थे हर रंग ही प्यारा लगा, जब कोई मौसम सुहाना सा याद आ गया। ऐसा ही मौसम सुहाना है आज, क्योंकि वो है हमारे अगले फनकार, गज़ल के सुनहरे दौर और उस दौर का बेहद हसीन सितारा, शाइस्तगी और मंद मंद मुस्कुराहट से है उनकी पहचान। बहुत ही इज्जत के साथ मैं मधु कर रही हूँ चंदन दास जी को। दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूँ अमिता जी का, जिन्होंने आज बज़्म की यह महफिल सजाई है। मैं चाहूँगा आप ज़ोरदार तालियों से उनकी इज्जत अफजाई करें। और बज़्म की महफिल हर साल यूं ही सजती रहे। हमारे बीच बंबई से पधारे अनु भाई हैं हमारे बीच, ज़रा इज्जत से तालियों से उनकी इज्जत अफजाई करें। करतार सिंह जी भी हैं हमारे बीच, अशोक भाई और तिलक भाई भी हमारे बीच हैं। निसर सा मागर गाए रे मापा मागर गाए नी पनिसर गर मागर पमगर गनी सरे मा पानी निसा पानी सरे पधामगरे पमगर गनी पनिसर गर मगर गनीस दिलो दिमाग को रोलूंगा आह कर लूंगा
तुम्हारे इश्क में सब कुछ तबाह कर लूंगा। अगर मुझे न मिली तुम तुम्हारे सर की कसम अगर मुझे न मिली तुम तुम्हारे सर की कसम मैं अपनी सारी जवानी तबाह कर लूंगा। सबको दुश्मन बना लिया मैंने, 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 आपसे दिल लगा 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 लिया मैंने, सबको दुश्मन हर तरफ रास्ते में कांटे थे, हर तरफ रास्ते में हर तरफ रास्ते में कांटे थे, फिर भी दामन बचा लिया मैंने, 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 सबको दुश्मन
ख्वाहिश तो की। शेर है दोस्तों, दिल ने ख्वाहिश तो की, दिल ने, दिल ने, दिल ने, दिल ने ख्वाहिश तो की, बहक कैसे दिल को, कैसे दिल को मना लिया मैंने, कैसे दिल को मना लिया मैंने, कैसे दिल को मना कैसे दिल को मना लिया मैंने, कैसे दिल को। दुश्मन
बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, आपसे दिल लगा लिया मैंने, आपसे लगा लिया मैंने, सबको दुश्मन शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जो आपके सामने गज़ल पेश करने जा रहा हूँ वो अमिता जी की लिखी हुई है। अमिता जी की ये गज़ल हमने इसलिए चुनी है कि ये गज़ल के हर शेर बहुत प्यारी सी उम्मीद है इसमें, इसलिए मैंने ये गज़ल चुनी है। तो ये गज़ल पेशे खिदमत है आपकी खिदमत में। सगमधा धनी धगमनीदा नीदा मबद मग गमर स सर निध धनी समाग स धनी समगम सगम धनी मदनी निसा सरे निदा मदनी निदा सग मदनी निदा मदनी धनी धनी दम ग रे गम रे सनी धनी समागम। गजल का मतलब है तजदीद जिंदगी के इशारे हुए तो हैं, तजदीद रिन्यूअल, तजदीद ज़िंदगी के इशारे हुए तो हैं, कुछ पल सही वो आज हमारे हुए तो हैं। तजदीद जिंदगी के इशारे हुए तो हैं, तजदीद जिंदगी के इशारे
हुए तो हैं तजदीदे जिंदगी के इशारे हुए तो हैं कुछ पल सही वो आज कुछ पल सही वो आज हमारे हुए तो हैं तजदीद जिंदगी के इशारे हुए तो हैं तजदीद जिंदगी के इशारे हुए तो हैं माना हकीकतों से बहुत दूर है मगर माना हकीकतों से बहुत दूर है मगर माना हकीकतों से बहुत दूर है मगर खुश हूँ कोई शराब खुश हूँ कोई शराब सहारे हुए तो है शराब मतलब भरम माना हकीकतों से बहुत दूर हूँ मगर माना हकीकतों से बहुत दूर हूँ मगर खुश हूँ खुश हूँ कई शराब सहारे हुए तो हैं तजदीद जिंदगी के इशारे हुए तो हैं कुछ पल सही जो आज कुछ पल सही वो आज हमारे हुए तो हैं तजदीद जिंदगी के इशारे हुए तो हैं नहीं है दामन
अब तलक छूटा नहीं है दामने उम्मीद अब तलक छूटा नहीं है दामने छूटा नहीं है दामने उम्मीद अब तलक ये और बात वक्त के मारे हुए तो हैं ये और बात वक्त के मारे हुए तो हैं कुछ पल सही वो आज कुछ पल सही वो आज हमारे हुए तो हैं तजदीद जिंदगी के इशारे हुए तो हैं तजदीद जिंदगी के इशारे हुए तो Dani saga ma gamare gamasa gamasani nida madani saga mare Dhani sa ga ma dhani dha sa ni dhani dha ga ga ma re sa ga ni dhani sa ga ma re तेरी बेवफाई का शुक्रिया मुझे तूने जीना सिखा दिया तेरी बेवफाई का शुक्रिया मुझे तूने जीना सिखा दिया तेरे गम में चैन सा मिल गया तेरे दर्द ने वो मजा दिया तेरी बेवफाई का शुक्रिया मुझे तूने जीना सिखा दिया तेरे गम में चैन जो मिल तेरे दर्द ने वो मजा दिया तेरी बेवफाई का शुक्र
बिखेरिया मुझे तूने जीना सिखा दिया। बहार कैसी बहार है, न चैन है न करार है। ये बहार कैसी बहार है, न चैन है न करार है। ये बहार कैसे बहार है, न चैन है न करार है। ये चमन में कैसी हवा चली कि चराग दिल का बुझा दिया। ये चमन में कैसी हवा चली के चराग दिल का बुझा दिया। तेरे गम में चैन जो मिल गया, तेरे दर्द ने वो मजा दिया। तेरी बेवफाई का शुक्रिया मुझे तूने जीना सिखा दिया। दोस्तों शेर अर्ज़ है, न खुशी रही न वो गम रहा, न वो तू रहा न वो दिल रहा। न खुशी न वो तू रहा न वो दिल रहा, न खुशी रही न वो गम रहा, न वो तू रहा न वो दिल रहा। तूने क्या ये मुझे पे सितम किया, तूने खूब दिल का सिला दिया। तूने क्या ये मुझे पे सितम किया, तूने खूब दिल का सिला दिया। तेरे गम में चैन जो मिल गया, तेरे दर्द ने वो मजा दिया। तेरी बे शुक्रिया मुझे तूने जीना सिखा दिया। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत। सरदा दानी
मबदनि रे डॉक्टर बशीर बदर का कलाम पेशे खिदमत है। सर गे सर गर सर निजर पम बसा शम से रोशनी की बात करो चांद से चांदनी की बात करो जीने वालों जीने वालों तुम्हें खुदा की कसम मौत से जिंदगी की बात करो न जी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात के नजी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात के नजी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की साल से कुछ खबर ही नहीं कई साल से कुछ खबर ही नहीं कई साल से कुछ खबर ही नहीं कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की न जी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की न जी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की जालों
परियां नहाने लगी। उजालों की परियां नहाने लगी, उजालों की परियां नहाने लगी। नदी गुनगुनाए ख्यालात के, नदी गुनगुनाए ख्यालात के। न जेब भर के देखा न कुछ बात की, न जेब भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सितारों को शायद खबर ही नहीं, सितारों को शायद खबर ही नहीं, सितारों को शायद खबर ही नहीं। मुसाफिर न जाने कहाँ रात की, मुसाफिर न जाने कहाँ रात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। नीदा फाजली का कलाम है और यह बिल्कुल नई गज़ल है जो रिकॉर्ड में नहीं है और मैं ख़ास तौर से आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें जो शेर है उसमें ध्यान देने वाली बात है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि शायर क्या कह रहा है। नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर। जो हाथ में नहीं
है वो पत्थर तलाश कर नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर नजदीकियों में दूर कर मंजर तलाश कर नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर
सूरज के इर्द गिर्द भटकने से फायदा सूरज के इर्द गिर्द भटकने से फायदा सूरज के इर्द गिर्द भटकने से फायदा दरिया दरिया हुआ है गुम तो समंदर तलाश कर दरिया हुआ है गुम तो समंदर तलाश कर जो हाथ में नहीं वो पत्थर तलाश कर नजदीक में दूर का मंजर तलाश कर जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर देखियों में दूर का मंजर तलाश कर रहता नहीं है कुछ भी यहाँ एक सा सदा रहता नहीं है कुछ भी यहाँ एक सा सदा रहता नहीं है कुछ भी यहाँ एक सा सदा दरवाजा घर का खोल के फिर घर तलाश कर दरवाजा घर का खोल के फिर घर तलाश कर जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर मंजर तलाश कर
शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तलत भाई आपके सामने आ रहे हैं, आप उनको सुनिए और जी भर के दाद दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम चंदन दास जी का। और शाम की हमारी अगली पेशकश भी है ख़ास। आप में से कई लोगों को याद होगा कि पुराने वक्त में जब बज़्म का अहतमाम होता था तो शायर अपना कलाम भी सुना देते। उसी रिवायत को थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश हम हर साल बज़्म में करते रहें। उसी सिलसिले के तहत मैं आवाज़ दे रही हूँ मीता को, एक हसास दिल शायरा। शाम बहुत हसीन है और जहाँ देखती हूँ गज़ल से मोहब्बत करने वाले नज़र आ रहे हैं, तो एक बिग अपलॉड फॉर योरसेल्फ। आज के दिन आपने ये दिखा दिया दुनिया को कि हू हा की ज़रूरत नहीं है, मौसीकी ज़िंदा है, गज़ल ज़िंदा है। और अगर हम इस तरह की एक शाम बनाते हैं तो उसे सुनने वाले बहुत हैं। शुक्रिया आप सबका। मैं एक छोटी सी नज़्म आपको सुना रही हूँ। जैसा कि समीना ने कहा कि रेसिटेशन एक ज़माने में बहुत हुआ करती थी। अनूप जी इजाज़त है, एक मिनट का वक्त लूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि गज़लों और नज़मों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी बज़्म सिर्फ मौसीकी के बारे में नहीं, इट्स अबाउट पोएट्री ऑल्सो। तो उस तरफ थोड़ी तवज्जो दिलाते हुए एक नज़्म जिसका उन्वान है, मृदुला जी इजाज़त, उसका उन्वान है वाजपेयी जी, बहुत शुक्रिया। और यहाँ बहुत अच्छे शायर बैठे हैं, जीशान साहब बैठे हैं, इजाज़त लेती हूँ आप सबकी। तलाश, हर शख्स को किसी चीज़ की तलाश रहती है, शायद मेरी तलाश बहुत छोटी है लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। उम्र का तकाजा है, सब चीज़ें याद नहीं होती, पढ़ भी सकती हूँ। इस नज़्म में ज़िक्र है उन लम्हों का जो आप सबकी ज़िंदगी में आए होंगे, ये दावा रखती हूँ मैं, मोहब्बत के लम्हात। तलाश मेरी नज़र को है फिर उसी पल की, वो एक पल जिसे सदियाँ तलाश करती हैं। हर एक सिमत जहाँ खुशबुओं का डेरा है, वो एक लम्हा जिसे चाहतों ने घेरा है। वो लम्हा जिसमें है ऐलान दिल के होने का, वो लम्हा जिसमें नहीं खौफ खुद को खोने का। तुझे भी याद तो होगा वो मेहरबान लम्हा, तेरी निगाह ने जिस पल गले लगाया था, तेरी निगाह ने सपना हसीन दिखाया था। तेरी निगाह के मंजर जो मैंने देखे थे, तेरी निगाह में उस पल खुदा को पाया था। अजीब जादुई लम्हे में कैद थे हम तुम, वजूद अपने पिघल के जहां पे एक हुए। जो तेरा दर्द था मेरा हुआ उसी पल में, जो मेरा गम था वो तेरा हुआ उसी पल में। ठहर गया था वहीं मेरी जिंदगी का सफर, कुछ इस तरह से अभी वक्त है वहीं ठहरा, कि जैसे वक्त भी हो मुंतजिर उसी पल का। कुछ इस तरह से अभी वक्त है वहीं ठहरा, कि जैसे वक्त भी हो मुंतजिर उसी पल का। वो पल तो आएगा मुझको यकीन कामिल है, वो पल तो आएगा मुझको यकीन कामिल है। वो पल जो प्यार की रानाइयों का हासिल है, वो पल जो मेरा मसीहा है और कातिल है। वो पल जो मेरा मसीहा है और कातिल है, फिर एक बार वही नूर बन के आएगा। तलाश मेरी नज़र को है बस उसी पल की, जो अब के आया
तो फिर लौट के न जाएगा, जो अब के आया तो फिर लौट के न जाएगा। बहुत शुक्रिया, इतने पेशेंस से आप सब लोग सुन रहे थे, मेरी हौसला अफजाई की। एंड आई हैंड ओवर टू समीना। थैंक यू समीना। आज बज़्म के प्रोग्राम में मैं, चंदन दास, तलत अजीज साहब और अशोक खुसला, हम लोगों ने प्रोग्राम किया। और कमानी में इस तरह का जो हमने ऑडियंस देखा, इतने प्यार से सुना, शेर व शायरी का मज़ा ले रहे थे, अमिता जी ने इतना अच्छा बज़्म प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा और जो सुनने वाले हैं वो बहुत प्यार मोहब्बत से गज़लें सुनेंगे। आज की बज़्म बहुत ही सक्सेसफुल रही, बहुत सुनकार थे, रात देर तक चलती रही और हर आर्टिस्ट ने बहुत खूब गाया, बहुत कमाल गाया। मैं समझती हूँ कि बज़्म को जो पसंद किया जा रहा है वो जीत असल में गज़ल की है, और बज़्म हम इसीलिए करते हैं कि लोग अच्छी पोइट्री, अच्छी मौसीकी से जुड़े रहें, गज़लों से जुड़े रहें। मैं यहाँ तक कहती हूँ कि जो गज़लों को पसंद करते हैं उनका किरदार ही कुछ और होता है। तो ये हमारी मिशन है, ये बरकरार रहे, लोग हमारे साथ जुड़े रहें और लोग जुड़ते रहें। एंड विद दैट इन माइंड आई विल कंटिन्यू टू डू बज़्म, पीपल विल कीप लविंग इट एंड इट विल कीप ग्रोइंग। सो आई थिंक इट्स बीन अ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। अनूप जी, अशोक खोसला जी, चंदन दास जी और तलत अजीज साहब, इन सब ने जो आज रंग लगाया वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम लोगों की जुनून को देखें कि वो 11:30 बजे तक भी जाने को तैयार नहीं है, तो मुझे लगता है हर एक के एफर्ट को सिला मिला है। तो आप लोग भी बज़्म से जुड़ें, होते रहें ये प्रोग्राम, ये दुआ करें।